प्यारे दोस्तों, ग्लोब की आधारभूत बातें आप देख रहे हैं। दोस्तों हमारे सामने एक ग्लोब है। आपको पता है कि दोस्तों ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, इसको हम एनपी कहते हैं, माने नॉर्थ पोल कहते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव के रूप में जानते हैं। और बात नीचे की करें दोस्तों, तो ये क्या है, यह है आपका दक्षिण ध्रुव। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बात अगर हम ग्लोब की करें तो आप देख रहे हैं ये जो लाल रंग की पट्टी देख रहे हैं, ये काल्पनिक रेखा है, जिसको क्या कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा को दूसरे नाम से विषुवत रेखा, और अंग्रेजी में हम इसको इक्वेटर के रूप में जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। माने इसको अगर आधा आधा कर दिया जाए तो ऊपरी भाग हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और यहीं पर जानना जरूरी है कि इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं क्या, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी के ठीक नीचे, माने भूमध्य रेखा के ठीक नीचे 23.5 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, माने मकर रेखा के रूप में जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।